नमस्कार, आप देख रहे हैं जी टीवी न्यूज। सफाई कर्मचारी पर हुए हमले के विरोध में सफाई कर्मचारी संघ के कई संगठनों ने किया नगर निगम का घेराव। थाना कोतवाली क्षेत्र में हमला होने के कारण घायल हुए पुरुष व महिला सफाई कर्मचारी जिला अस्पताल प्यारेलाल में भर्ती। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने कोतवाली थाने पहुँचे कर्मचारी संगठनों ने किया हंगामा। पीसी मेरठ से बिरबाल सुरानिया की खास रिपोर्ट। मैं सुरेंद्र कुमार ढिंगिया, उत्तर प्रदेश के सफाई मजदूर संघ का नगर निगम शाखा का अध्यक्ष हूँ। किस मामले को लेकर के ये धरना हो रहा है? आज तो ये अटेंडम इसलिए है कि वार्ड 54 में सफाई मजदूर रोजमर्रा की तरह हाजिरी स्थल पर मौजूद थे, हाजिरी पर आए थे और वहीं से सुपरवाइजर हमें अपनी अपनी पीठों पर भेजते हैं। वो सिलसिला चल ही रहा था कि अचानक वार्ड 54 का एक नागरिक आया और उसकी स्कूटी पर कुछ सामान लदा हुआ था। उनने पीछे से आके हमारे साथियों को टक्कर मार दी, जिसमें हमारे दो साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। क्या नाम है इनके साथियों के? हमारे उन साथियों का नाम है मोनू पुत्र राम प्रसाद और स्नेहलता पुत्री लिच्छो। ये टक्कर मारने वाले का नाम पता चला कौन है? नहीं, एजाज नाम बताया जा रहा है, जो थानातन में रहता है और डेयरी भी चलाता। बड़ी डेयरी संचालन, बड़ी डेयरी और कोई बात किस बात को लेकर के हुआ? क्या डेयरी के ऊपर हुआ है क्या? नहीं कुछ नहीं, हम तो हाजिरी लगा रहे थे, वो पीछे से आया और टक्कर मशीन पे हाजिरी लगाते हुए टक्कर मार दिया। जो घायल हुए हैं इनकी क्या कंडीशन है, कहाँ है? ये प्यारेलाल हॉस्पिटल में भर्ती है, कोतवाली पुलिस ने वहाँ ले गए थे। आप लोग गए थे थाने? हम लोग अभी यहाँ से जाएंगे। जो साथी गए थे वो हैं वहीं पे मौजूद। जोश गोस्वामी एडवोकेट, उत्तर प्रदेश के सफाई मजदूर संघ का मुख्य सलाहकार हूँ और नगर निगम में सफाई मजदूर संघ का पूर्व महामंत्री भी हूँ। बड़ी समस्या ये है, ये तो अचानक एक आज समस्या आ गई, लेकिन दो दिन से जिस प्रकार से छापे मार करके अखबारों में योजनाबद्ध तरीके से सफाई मजदूरों की छवि खराब करने के लिए अधिकारी बयानबाजी कर रहे हैं और मजदूरों की जो समस्याएं हैं उनके प्रति एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, वो भी आक्रोश मजदूरों में है। अभी कल डीएम को भी तहसील दिवस पर दो ज्ञापन दिए गए, सुप्रीम कोर्ट का माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है 1 सितंबर 1993 का कि मेरठ महानगर की जितनी आबादी है उसके अनुसार सर्वे करिए। हेल्थ मैनुअल का जो मानक है, अभी हमारे अध्यक्ष जी बोल रहे थे, सुरेंद्र कुमार ढींगिया जी, महामंत्री सतीश चटलाना जी, राजू धवन जी वगैरह, कि जो मानक है हेल्थ मैनुअल का 10,000 आबादी पर कम से कम 60 सफाई कर्मचारी जरूर होने चाहिए। अब जब चल रहा है, अब वर्तमान में 3,400 हैं, अखबार बराबर छाप रहा, यानी कि अगर उस मानक को देखा जाए तो कम से कम इस समय 12,000 कर्मचारी कम है। बहन जी की सरकार के समय एक नया मानक का शासन आदेश निकाल दिया, यद्यपि वो हेल्थ मैनुअल को संशोधित नहीं कर सकता। एक वकील के नाते भी मैं इस बात को कहना चाहता हूँ, हेल्थ मैनुअल पूरे देश का एक मार्गदर्शक, एक मैनुअल मानक निर्धारित है, उसको बताता है। इन्होंने 28 कर्मचारी प्रति 10,000 पर इन्होंने नया मानक निकाला था, अगर उसको भी देखा जाए तब भी 5,000 कर्मचारी कम है। और अगर असली हेल्थ मैनुअल के मानक पर, जिस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है 1 सितंबर 1993 का, रिट याचिका संख्या 1796 वर्ष 1986, सफाई मजदूर संघ और हिंद मजदूर सभा बनाम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मेरठ और उत्तर प्रदेश सरकार, ये याचिका थी। जो मैं खुद उस समय जनरल सेक्रेटरी था सफाई मजदूर संघ का और हिंद मजदूर सभा का प्रांतीय मंत्री था, वो याचिका दाखिल हुई थी सुप्रीम कोर्ट में। उस याचिका के आदेश का आज तक अनुपालन नहीं हुआ, इन बातों की जवाबदेही भी तो अधिकारी करें। अब आप लोग इतनी देर से यहाँ बैठे हुए हैं, आपसे कोई अभी तक बात करने नहीं आया। ये लोग तो सफाई मजदूरों को गुलाम समझते हैं। और मैं तो मजदूरों के बारे में एक आम बात कहना चाहता हूँ, पूरे देश में, प्रदेश में 40% आबादी केवल मजदूरों की है, 40% किसान है और 20% में व्यापारी, डॉक्टर, वकील वगैरह सब हैं। 40% आबादी के बारे में तो कोई भी नेता, कोई भी सरकार एक शब्द मजदूरों के बारे में तो बोलती ही नहीं। कर्जा माफी हो रही तो किसान की हो रही है, कोई राहत दी जा रही तो उसी दी जा रही, चाहे महाराष्ट्र है, चाहे यूपी है, चाहे कहीं है। मजदूरों को गुलाम बना रखा, 4-4, 5-5 हज़ार रुपए में राजधानी में लोग काम कर रहे हैं। और जबकि समान कार्य समान वेतन का जो सिद्धांत है, जिसका नियम 25 है, उत्तर प्रदेश सरकार का बनाया हुआ नियम है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट 1970 के अंतर्गत जो नियमावली खुद उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाई है,
उसके नियम 25 के अनुसार समान कार्य समान वेतन का सिद्धांत लागू होना चाहिए। जो रेगुलर कर्मचारी को वेतन मिलता है वही कॉन्ट्रैक्ट लेबर भी पाने की हकदार है और छुट्टियों वगैरह के समस्त लाभ पाने के अधिकार है। तमाम कानूनों का ये लोग उल्लंघन कर रहे हैं और शासन का श्रम विभाग मूक दर्शक बना हुआ। कल हमने डीएम को मेमोरेंडम दिया और कहा है कि डिप्टी लेबर कमिश्नर से इन पर कार्रवाई कराइए, ये कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, इनके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। और वर्षों से करते चले आ रहे हैं, छुट्टियों में काम कराते हैं बिना मजदूरी, ओवरटाइम मिलना चाहिए, वो अनुसूचित जाति एक्ट के तहत उसमें बेकार कराई जा रही है। साल भर में कम से कम 15-20 छुट्टियों में जो होली दिवाली क्रिसमस 26 जनवरी 15 अगस्त ये सब तमाम अवकाश हैं गांधी जयंती, उसमें भी हमसे काम कराते हैं। बाकी तो सब लोग अपने घर रहते हैं कर्मचारी किसी विभाग के, हम काम करते हैं, हमें ओवरटाइम वेज मिलनी चाहिए उस दिन की, कोई ओवरटाइम वेज हमको नहीं देते। और मजदूरी ना देने की वजह से वो बेकार की परिभाषा में है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 का है, उसके अंतर्गत ये बेकार जो है ये अनुसूचित जाति उत्पीड़न की परिभाषा में है और गैर कानूनी ठेकेदारी हम पर थोपी हुई है। हम नगर निगम ने भर्ती किए तमाम 2215 कर्मचारी और नगर निगम के कर्मचारी रहते हुए नगर निगम से सीधे हमारे खातों में वेतन जाता था और अचानक 2015 सितंबर में हमको ठेकेदार द्वारा भर्ती दिखा दिया जालसाजी के कागज बना करके। तमाम लड़ा जा रहा, लिखा जा रहा, बराबर मुख्यमंत्री से चिट्ठियां आ रही हैं, डिप्टी लेबर कमिश्नर के यहाँ से आ रही हैं, हम मांग पत्र दे रहे हैं, हमारा हड़ताल का नोटिस गया हुआ है। इन्होंने फरवरी तक का समय मांगा था नगर आयुक्त ने तमाम मामलों को कानून के मुताबिक निस्तारित करने का। हमारी तमाम मांगे कानून सम्मत है, कानून दिखा करके हम चाहते हैं कि उन कानूनों को पालन करें, शासन आदेशों को लागू करें, माननीय सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जो आदेश लंबित हैं उनको लागू करें और कम से कम सच्चाई को समझ करके यूनियन को बुला करके सभी नेताओं को बुला करके वार्ता करें, एक समझौता करें। कर्मचारी संख्या रात में यदि काम कराते हैं तो तत्काल 1000 आदमी तुरंत भर्ती किए जाए, कोई वहाँ पर वेतन मिले। हम इन्हें चेतावनी देना चाहते हैं, यदि ये सफाई ठप कराने चाहते हैं तो वो भी हो जाएगी। आज सभी नेता एक मंच पर हैं, प्रतिनिधि यूनियन उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संघ है, दूसरा संगठन उत्तर प्रदेश सफाई कर्मचारी संघ है, हमारे महामंत्री बैठे हैं कैलाश चंदूना जी, राजू धमन जी अभी बोल रहे थे अध्यक्ष, एक हमारा 2215 की संघर्ष समिति का संगठन है, दिनेश सूद राजू ढींगे हमारे अध्यक्ष महामंत्री बैठे, एक संगठन और है सफाई मजदूर संघ, चाहे वो ज़्यादा गतिशील नहीं है लेकिन कागजों में वो भी है। तमाम नेता एक मंच पर हैं तो अधिकारी समझ जाएं, गलत फहमी में ना रहें, पतनाना वहीं गिरेगा जहाँ गिरने की जगह होती है। कानून के मुताबिक हम कार्रवाई चाहते हैं, हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, कोई खैरात नहीं मांग रहे हैं, समान कार्य समान वेतन दें, 21,000 रुपये महीना बनता है और एरियर के साथ दें, बेगार करा रहे हैं उसका 3 साल का हमारा एरियर दें, छुट्टियों में जो काम कराया है वो पक्के कर्मचारी भी करते हैं कच्चे भी करते हैं, सबसे कराते हैं छुट्टियों में काम। और कर्मचारी संख्या अगर नहीं बढ़ाते हैं तो ये आफत ना काटे कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक कर्मचारी संख्या बढ़नी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आकलन किया जाए, कलेक्टर मेरठ को आदेश दिया था 1 सितंबर 1993 में कि आबादी के अनुसार हेल्थ मैनुअल के मानक के अनुसार कितने कर्मचारी होने चाहिए, वो भी नियमित ठेके पर नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है, और आकलन करके अपनी सिफारिश शासन को भेजें लखनऊ ताकि उन पदों का सृजन किया जाए, ये सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है, उसे लिए बैठे। तो ये सब तमाशा नहीं चलेगा। इन शब्दों के साथ मैं आपसे कहना चाहता हूँ हमारी बात जनता तक शासन तक पहुँचाने का आपका।